बताओ कुछ नहीं, वीडियो में तो आपको पता है हाल ही फिलहाल में अभी इस गाड़ी की सर्विस हुई है, थर्ड सर्विस 30,000 किलोमीटर पे, और इसकी वीडियो मैंने डाल दी है। तो अब सर्विस हुई थी लेकिन उसमें मैंने अलाइनमेंट बैलेंसिंग नहीं कराई है, क्योंकि जो है ना कंपनी वालों की जो अलाइनमेंट बैलेंसिंग होती है उन पे मतलब मेरे को थोड़ी एक्यूरेसी उतनी नहीं लगी। तो ये हमेशा मैं सर्विस सेंटर से कराता हूँ, और जो अलाइनमेंट बैलेंसिंग है वो कराता हूँ मैं बाहर से हमेशा। तो आज इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराने जा रहा हूँ टायर्स की, और आपका दिखा देता हूँ। ऐसे तो देखो पता लगता नहीं है अलाइनमेंट बैलेंसिंग का कुछ भी, लेकिन कहाँ कैसे होती है, कैसे कराता हूँ मैं, तो वो सारी मैं कोशिश करूँगा कि आपको सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से दिखा पाऊँ आपको। तो चलते हैं आज इसके अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराने। तो यहाँ पे आ गए हैं हम, अब आप ये देखोगे इसमें ना टायरों में मार्किंग कर रखी है, जैसे इस वाले में यहाँ पे 2 कर रखी है और ये 4 कर रखी है, और ऐसी दूसरी साइड में 1 और 3 कर रखी है। यहाँ पे ना टायर में ऐसे नंबरिंग कर देते हैं तो बाद में क्रॉस एक्सचेंज हो जाते हैं ये, जैसे इस टायर में भी कर रखी है। अब ये यहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है इसका जो टायर बैलेंसिंग होती है, ऐसे वेट्स लगा देते हैं इस पर, आप ही देख रहे हैं ये वेट है। अब जैसे कि इसकी बैलेंसिंग तो हो चुकी है, यहाँ पे अब आप देखिए इधर जो नंबर है ना, ये देखिए आप ध्यान से, ये 3 लिखा है, और यहाँ पे पीछे की तरफ आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ की तरफ इधर में मतलब हट गया है वो नंबर, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो 1 होगा। ऐसी दूसरी साइड यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे होगा 4, देखो यहाँ पे 4 लिखा है और पीछे की तरफ होगा 2। तो ये ऐसे क्रॉस एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे ये पीछे वाला जो था वो यहाँ पे आ गया और आगे वाला जो था वो पीछे उधर कोने में चला गया है। तो ऐसे ही क्रॉस एक्सचेंज हो जाते हैं, ये आगे वाला पीछे और पीछे वाले आगे। अब यहाँ पे आ गई ये अलाइनमेंट के लिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ना सेंसर्स लग रहे हैं, ये देखिए ये जो है ना ये सेंसर होते हैं, ये चारों टायर पे लगेंगे। अभी ये देखो टाइट कर रहे हैं ऐसे, ये आगे पीछे मतलब चारों टायरों पे ऐसे लग जाते हैं सेंसर्स। और इसमें ना आगे एक मशीन होती है जो इनको सेंस करके सारा अलाइनमेंट का बताती है कि इसमें क्या गड़बड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप सामने एक मशीन है ब्लैक कलर की, ये वाली जो है। तो यार अलाइनमेंट और बैलेंसिंग हो चुकी है और मैं घर आ चुका हूँ। तो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग होती क्या है इन शॉर्ट, मैंने आपको बताया नहीं, मैं बताना भूल गया, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अलाइनमेंट और बैलेंसिंग में क्या होता है कि पहले ना टायर्स कार के निकाले जाते हैं, उसके बाद एक मशीन में उन्हें उनको घुमाया जाता है। जब मशीन उस टायर को घुमाती है एक सर्टन स्पीड पे, तो वो उसका टायर का चेक करती है बैलेंस, जो बैलेंस है टायर का ना वो सीधा होना चाहिए, ना ही उसके जो आउटर एज है ना उस पर ज़्यादा होना चाहिए, ना उसके इनर एज पर ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ भी थोड़ा वेट ऊपर नीचे होता है तो वो एडजस्ट करते हैं वेट लगा के। मैंने अभी इस वीडियो में इसमें दिखाया है आपको वेट जो लगा हुआ है नया, ऐसे अगर बाहर की तरफ कम होगा तो बाहर की तरफ लगाएंगे, अंदर की तरफ कम होगा तो अंदर की तरफ इसको लगाएंगे, और फिर वेट बैलेंस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करते हैं बीच में। फिर क्या होता है, जब चारों टायर ये लग जाते हैं इसके बाद ही बैलेंसिंग होती है, अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट में क्या होता है, मैंने आपको दिखाया था अभी के सेंसर्स लगे थे और सामने एक मशीन होती है, अब वो सेंस करती है, वो उसको ना पता लग जाता है सेंसर से कि जो है कौन सा टायर किस मतलब ठीक है कि नहीं है, किस टायर में के अलाइनमेंट बिगड़ रही है या किस में केम्बर आ रहा है, या अगर कोई भी दिक्कत है तो अगर थोड़ा बहुत टायर में केम्बर आ रहा होगा या थोड़ा बहुत वो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, जैसा भी होगा वो मशीन वो आपको बता देगी। और जो एक कोई होता है पर्सन वहां पे, वो नीचे कार के नीचे जाता है और ऑन द स्पॉट वो वहां पे जितना भी ऊपर नीचे वैल्यू होती है वो सारी वो ठीक कर देते हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट मिलती है वो चेक ओके मिलती है बिल्कुल, कि इसमें अब उनके हिसाब से एक भी वैल्यू मतलब थोड़ा बहुत, तो देखो पॉइंट का फर्क रहता ही है, कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि केम्बर आप बिल्कुल 0-0 हो रखा है या हर चीज 0-0। कुछ कार्स में ना केम्बर जरूरी भी होता है, या कुछ में जो आप देखते हैं कैस्टर वगैरह वो सब भी थोड़ा बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें हैं कार के हिसाब से होती हैं। और अलाइनमेंट वैसे तो देखो आप जितनी जितनी जल्दी कराते रहें तो उतना ही टायर्स के लिए अच्छा है और उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। मैं जो अलाइनमेंट कराता हूँ, अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग वगैरह ये सारी चीज कराता हूँ हर 5,000 किलोमीटर पे, क्योंकि इससे देखो टायर की हेल्थ भी बनी रहती है और कार भी बहुत स्मूथ चलती है। अब जैसे कि मेरी कार है वो देखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थोड़ी सी ना भाग रही थी, हल्की सी हाई स्पीड पे, वैसे नहीं पता लगता, हाई स्पीड पे थोड़ी सी ज़्यादा भाग रही थी, तो वो अलाइनमेंट के बाद अब वो प्रॉब्लम सॉर्टेड है। अब जैसे होता है ना कई बार अपनी कार जो है कई बार गड्ढों में चली जाती है, कभी स्पीड ब्रेकर पे थोड़ा तेज कूद जाती है, उससे भी अलाइनमेंट बिगड़ जाते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 5,000 किलोमीटर अपनी कार चलाएं उसके बाद अपना अलाइनमेंट ठीक करा लें।
तो कोई ऐसी इशू की बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो देखो चलता है उसमें, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये थी वीडियो अलाइनमेंट बैलेंसिंग के ऊपर कि वो कैसी होती है और कब करानी चाहिए और कैसे कैसे करानी चाहिए। कब करानी चाहिए वो तो देखो आपके ऊपर है, मैं कराता हूँ हर 5,000 किलोमीटर पर, जिससे कि मेरी टायर की हेल्थ ठीक रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से चलें। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, थैंक यू सो मच।